वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अमर है। तो दोस्तों, चालबाज मूवी का अभी नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में देख रहे थे। वो लड़की जो है ना, मैडम साहिबा जो बेचारी जिस पर जुल्म करते हैं आरामी टकलू वाले, वो भाग गई है। और दूसरी जो डांसिंग वाली है वो भी उधर ही आ रही है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। प्ले करें। ए, क्यों बे, किसका मर्डर करके भाग रहे लाए? मर्डर तो महंगा करता है साहब, मैं क्यों मर्डर करूंगा? चुप, एक तो साला वर्दी में नहीं है, हैं? ऊपर से मस्करी करता है। मैं क्यों मस्करी करूं? ठीक है ठीक है, ये बता किसी में माल कितना है? कुछ नहीं ऐसा पत साहब, किसी को माल लगा है, मैं अस्पताल जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो। नाटक करता है तू? सुखीराम से नाटक करता है? तेरे डिक्की के अंदर जरूर चोरी का माल होगा, तभी तू फूटने का कोशिश कर रहा है। सकाराम, इसकी डिक्की की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। मस्करी करता है और जेब में पैसा नहीं। लाश, साधी साधी डिक्की में लाश जल रही है। लाश क्या कह रहा है? डिक्की में लाश है। ये तेरी गवर्नमेंट है? ये मेरी गवर्नमेंट कैसे हो सकता साहब? ये मंजू है, जरा क्रैक है। निकल बार, निकल बार, साड़ी बन के घुस गई, निकल बार। आप गरीब में क्या कर रहे हैं? मैं मंजू नहीं हूँ जी। मुझे पहले से ही मालूम था, डिक्की में लड़की, कमीज पे खून, जेब में पैसा नहीं, और लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। मैं किडनैप नहीं। चल पुलिस थाने चल। आप भी चलिए ना। अरे क्या करेंगे, इसकी तबीयत खराब है, इसे आराम की सख्त जरूरत है, इसे यहाँ से बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, है ना? वो म्यूजिकल डांसिंग वाली। अच्छा मैं भी चलती हूँ। तू कहाँ चली? डॉक्टर साहब मुझे भी छोड़ देंगे। अच्छा बाय बाय, चलिए साइनर हो, नमस्ते। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो हमें तुम्हारी हाँ हाँ, मेरी खातिर कौन करेगा? खातिर? हाँ, तुम जरा इसकी खातिर की तैयारियाँ शुरू करो, मैं डॉक्टर साहब की खातिर बाहर जाता हूँ। वाओ, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? हो, आपको कोई तकलीफ? तकलीफ की बच्ची? देखो साली, नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, ये क्या करती है? नहीं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या होगा तेरे को? मेम साहब, हम इसके बदले में आपसे माफी मांगते हैं। क्या समझते हैं? नहीं, जो सजा देनी हो हमको दे लो मेम साहब, इसको कुछ मत कहना। बड़ी बड़ी मुश्किल से घर लाती बेटा, क्या कर रही है? चल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बेटे चल, मुसीबतें बढ़ा रही है। तुम बीच बना रहे हो तो मैं चटनी बना देती। अच्छा बेटा, कुछ करने से पहले उसका जोर से मारते हैं। बेटा मेरी बात तो नहीं छोड़ी। बेटा मेरी बात तो सुनाती है मेरी। अरे खुद ही बोलना चाहिए कि मुझे भी बोलना। आपने आकर सारा गड़बड़ कर दिया। अरे गड़बड़ क्या कर दिया? मुसीबतें इस घर में वैसे ही पड़ी हुई है, सुनने और समझने की कोशिश नहीं करती है। तुझे पता है कि तू नहीं थी यहाँ पे, क्या क्या कांड हो गए? तुझे पता है कि राजू की क्या हालत है? मालूम नहीं। तुझे पता है कि राजू की क्या हालत है? क्या? हाँ बेटा, राजू की क्या हालत है तुझे पता है? तुझे नहीं पता? चल चल, मैं तुझे बताता हूँ, चल आ मेरे साथ। चल बेटे, राजू बेटे, देख कौन आया है। दीदी आई है। दीदी? नहीं नहीं बेटे, उठो मत, अब ये कहीं नहीं जाएगी। तू नहीं जाएगी ना दीदी? जा जा। क्या हुआ इसे? अरे इसे तो बुखार है। देख तेरे बगैर रो रो के क्या हालत बना ली है इसने, और ऊपर से मालिक ने खाना तक नहीं दिया इसे। पर इसका खाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि बेटे मालिक का ख्याल था कि राजू को पता है तू भाग के कहाँ गई है, और भूख बर्दाश्त न होने पर सब कुछ बता देगा अपने बेटे पर इतना जुल्म। दीदी अब हमें छोड़ के मत जाना प्लीज। मंशु, ये लोग तुझे कोई और समझ रही है, कोई और जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। कुछ दिन यहाँ रहकर तमाशा देख, देख कि आखिर मजा क्या है, और फिर उस मोटी से भी तो हिसाब किताब चुपता करना है। प्लीज दीदी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। जहाँ एक बाप का दिल हवेली के पत्थरों से ज्यादा बेजान है, वहां तुझे मेरी जैसी बहन की ही जरूरत है। अब तुझे कोई भूखा नहीं रखेगा।
अरे किडनैप का साहब, ये सारे नाटक करे लिए हैं। सुखी राम से ज्यादा होशियारी करने का नहीं क्या? तू इसे जानती है क्या? तू मुझे नहीं जानते? नहीं जी। तू मुझे नहीं जानते? तब एक तो दारू पिए ली है और ऊपर से नाटक भी करे ली है। मैं मदिरा नहीं पीती जी। मदिरा नहीं पीती जी तेरी माँ। तू औरत पे हाथ उठाता है? अरे औरत पे हाथ उठाता है शकराम, डाल दे साले को अंदर। रात भर अंदर रहेगा तो होश ठिकाने पे आ जाएंगे। इसी आईडा खिट खिट। और मैं जी? आप अपने घर जाइए, मैं इससे निपट लेता हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ जी। देखा, मैंने बोला था ना ये क्रैक है। तो चुप कर रहे, ले जाओ इसे। तुमने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊँ जी? अपने घर। घर? अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही, तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है? ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता? उल्टा जवाब देती है। थोड़ी देर बाहर रही तो पर निकल आए तेरे। अभी बताती हूँ मेरे बाप का क्या चाहता है। बोटी बोटी काट के फेंक दूंगी कुत्तों को। पहले किसी कसाई के यहाँ काम करती थी आप? तेरी ये मचाल कुटिया कहीं की? तेरी लिपस्टिक इम्पोर्टेड है चमक छल्लो, लेकिन तेरी जबान खालिस देसी है। वैसे भी अपने देश में सबको अपनी अपनी जबान बोलने का पूरा हक है ना? तूने अपनी जबान बोली, अब मेरी बारी है, बोलो। जानी ये चाकू है क्या है? चाकू? लग जाए तो खून निकलाता है। जिंदगी भर तूने अपनी साइल से मेकअप किया होगा, आज तेरे इस चौके का मेकअप हम अपने साइल से करेंगे। सूरज को वो ठीक तो है ना? नहीं विश्वनाथ जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, सूरज ठीक है। मैं कल खुद उसे आपके पास छोड़ आऊंगा। त्रिभुवन? हाँ जी हाँ जी, बोल रहा हूँ त्रिभुवनी। सुनो तो। हाँ जी सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ सुन तो रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। कुछ नहीं है, कौन है? अम्मा, अम्मा घर पे नहीं है, जाओ जाओ। तो अम्मा कहाँ चली गई? घर के लिए? नहीं अम्मा। भूत? अरे नहीं आप भूत नहीं जी। हाँ विश्वनाथ जी, अरे जाओ मुंह धोकर आओ। मुंह धोकर आओ? तुम मुंह धोने की बात कर रहे हो, मैं रोजाना नहाता हूँ, तुम जैसा नहीं हूँ। जी नहीं आप तो नहाए हुए, मैं तो इन्हें कह रहा हूँ, मैं खुद सुबह से मुंह ही नहीं धोया हुआ। जाओ मुंह धोकर आओ, जाओ ना। त्रिभुवन तुम्हारी घिघी क्यों बन गई? क्रैक हो गया है। हाय
हेलो हेलो क्या हुआ? कमाल है, मैं तुम्हारी वजह से इस घर में रुका हूँ और तुम खुद गायब हो। देखो देखो मुझे चोट लगी है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, तुम्हें मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं। क्या चाहिए? हाँ क्या चाहिए? मुझे प्यास लगी है। छोड़ो ना मुझे, पानी लेकर आती हूँ। छोड़ो ना मुझे। हा? छोड़ दिया। वेरी नकली है। वाह यार बहुत मजा आया यार, ये जो इसकी हालत की ने चुड़ैल को सच में चुड़ैल बना दिया इस यार मैडम ने। ये अच्छा क्या ये इस घर में आ गई और समझ भी गई मैं किसी और की जगह आई और मुझे ये कोई और समझ रहे हैं, तो अच्छा किया यार। बाकी वो जो पागल है वो तो हमारे शिवाजी को ही पागल कर दिए, बोलती है मैं नहीं जानती। वो कहता है अरे तू क्या नाटक कर रही है यार। तो बहुत मजा आया यार इस पार्ट में, बहुत हंसे हम। बहुत यार शिवाजी भी से पागल से फंस गया है। वो कहता है ये भाई मुझे अभी नाटक से निकल बाहर, अभी मुझे पहचान दो। ले भाई क्या कहा, वो हवलदार भी बड़ा पागल है, कहता है तूने खून किया है, इसको किडनैप करके लेके जा रहा है। यार मजा दिला दिया यार। तो इस लड़की ने और दिल जीत लिया भाई, कमाल किया। अच्छा हुआ चेंज हो गई, डुप्लीकेट हो गई ना। बाकी उस चुड़ैल को है ना पूरे का पूरा राक्षस बना दिया, वो भी डर गया, टकला भी इसकी सांसें अटक गई, बोला कौन है, जाओ अम्मा नहीं नहीं है। खुद का जगह शीशे में मुंह देखा, खुद गई आवाज निकल गई। भाई क्या भयानक सा बनाया यार, मजा आ गया, कमाल का ये वाला पार्ट था। चुड़ैल को दूसरा बना दिया ना अपने आप।